ऑब्जेक्टिव लेयर नंबर फोर। नंबर एट, राइट एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेशंस दैट ईच रिजल्ट इन द नंबर एट। बी श्योर टू इंक्लोज योर ऑपरेशन इन प्रिंट स्टेटमेंट टू सी द रिजल्ट। यू शुड क्रिएट योर लाइन्स दैट लुक्स लाइक दैट लुक लाइक दिस। प्रिंट 5+3। तो अब हम इसको लिखते हैं लेयर नंबर, ये भी कमेंट दे लिखते हैं हैश के साथ, लेयर नंबर 4A। प्रिंट 3, रिजल्ट 8 आना चाहिए। प्रिंट 5-3, प्रिंट 5-3, प्रिंट 5/7 आना चाहिए 8। तो ये हो जाएगा 56/7। तो ये हो जाएगा 2×4, क्योंकि इसका 8 रिजल्ट आना चाहिए। 56/7 जो है वो 8 है। तो अब हम इसको जब रन करके देखेंगे तो सबका आंसर जो है 8 आना चाहिए। अच्छा, 5-3 भी जो है ये 8 नहीं बनता, तो हम इसको भी 10 करेंगे और -2 करेंगे। तो पहले वाले में 8, दूसरे में 8, 8, 8। अब ये चारों प्रिंट जो है 8-8 आना चाहिए। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, 5+3 8, 10-2 8, 2×4 8 और 56/7 8 आ गया। तो ये हमारा पहला जो है टास्क था। अब दूसरा कह रहा है फेवरेट नंबर, स्टोर योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल। वो एक वेरिएबल लेंगे फेवरेट नंबर का और उसमें जो है हम स्टोर वेरिएबल करेंगे, ठीक है। देन यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। तो अब हम जो है एक फेवरेट नंबर लेते हैं और उसका प्रिंट मैसेज जो करवाएंगे जो उसको नंबर फेवरेट नंबर को रिवील करे। तो एक वेरिएबल लेंगे फेवरेट नंबर इज इक्वल टू 100। मैसेज इज इक्वल टू माय फेवरेट नंबर इज, ठीक है, प्लस। और हम इसमें स्ट्रिंग लिखेंगे क्योंकि हम नंबर जो है मैसेज में प्रिंट करवा रहे हैं, किसी मैथमेटिक्स में यूज नहीं करें जो उसके आगे इंटीजर लिखें। तो स्ट्रिंग जो है वो मैसेज में जब एज ए स्ट्रिंग यूज होगा तो हम इसको लिखेंगे। तो इसलिए हम इस वेरिएबल को, तो उधर नंबर भी आ रहा है तो हम इंटीजर नहीं स्ट्रिंग कहेंगे। और उसके बाद फेवरेट नंबर आ गया और उसके बाद हम इसको फुल स्टॉप देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम प्रिंट मैसेज करवा देंगे, प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो एक मैसेज वेरिएबल में माय फेवरेट नंबर इज स्ट्रिंग के साथ वो आ गया। तो वो आ जाएगा फेवरेट नंबर क्या है, 100 है और फुल स्टॉप। अब इसको रन करवाते हैं। ये देखें, माय फेवरेट नंबर इज 100। 100 कहाँ से आ गया, ये था 100 जो फेवरेट नंबर में था और हमने उसको कहा कि ये कोई ये है तो नंबर लेकिन किसी मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं हो रहा, तो इसलिए
इसको इंटीजर नहीं लिखा हमने, स्ट्रिंग लिखा है, स्टेटमेंट है, तो हमने स्टेटमेंट के लिए जब यूज़ करेंगे नंबर को तो स्ट्रिंग लिखेंगे और आगे जो है फुल स्टॉप दे दिया। उसके बाद पार्ट सी, पार्ट सी कहता है एडिंग कमेंट। एडिंग एंड कमेंट जो है हर हर लेब में हमने कमेंट यूज़ किए, तो इसमें भी जो है आप यूज़ करके देख लें। जैसे ये है लेब पार्ट वन है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पार्ट सी बना लेते हैं। तो ये जो कमेंट्स हैं ये बेसिकली ये चीज़ें, जैसे लेब नंबर 4A हो गया, ठीक है, तो हम इसको 4C कर लेते हैं, कमेंट हो गया। उसके बाद हम एक और कमेंट डालते हैं, राइट हेयर। जब आप अपना लेब कर रहे होंगे तो ये अपना नाम लिखें, राइट हेयर करंट डेट। तो जब आप लेब कर रहे होंगे तो आप ना साथ ही इस कमेंट में जो है अपना नाम और डेट भी आप मेंशन करें, तो जब भी ये आप इसको रन करेंगे तो इधर ये लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा और कोड तो ये वैसे रन नहीं होंगे, बाकी जो है प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन कोड में जो है ये लाइनें तीनों आ जाएंगी कि आपने कमेंट जो है क्या किया है।